हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी के लेकर मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूं और मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी इस विषय पर लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और वीडियो बना बनाकर आयोग पर दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। और दोस्तों, इस अभियान में पटना के दरोगा गुरु यानी कि रहमान सर भी जुड़ चुके हैं। वो भी आज अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा से बिहार एसएससी के जो मांगे हैं जो 7 सालों से स्थिर पड़ा हुआ है उसमें कोई इंप्रूव हो ही नहीं रहा है उसके लेकर बहुत ही गुस्सा में थे आज और अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा से बहुत सारे बातें की है कि अभी तक आयोग ना कोई नोटिस निकाल रहा है ना कुछ भर्ती के प्रक्रिया में कुछ बोल रहा है। तो दोस्तों सुनिए गुरु रहमान क्या बोले हैं। नमस्कार आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि आज 2014 से लेकर 2021 हो गया, 7 वर्ष के लंबे वफ़ा को बीत जाने के पश्चात भी आखिर बीएसएससी ने क्या किया, किस तरह का दंभ भरता है कि मैं परीक्षा लेता हूं, बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करता हूं, छात्रों की बेरोजगारी को दूर करता हूं और छात्र जाति पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी हिंदू मुस्लिम में व्यस्त रहते हैं और सरकार की किसी भी कमी को अगर हम लोग उजागर करने का प्रयास करते हैं तो उसमें तरह तरह की बातें कमेंट करते हैं। अब बीएसएससी के द्वारा 7 साल के पश्चात भी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी उससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी आपको सकारात्मक पहला भी नहीं आया, किसी भी तरह से बीएसएससी ने कुखपात के आपको पहले आपको एक बार क्वेश्चन आउट हो गया, फिर उसके बाद उसे बहुत सारे बहुत माननीय रसूखदार लोग जेल गए, उसके बाद फिर आपको दोबारा किसी तरह पीटी का परीक्षा हुआ, फिर मुख परीक्षा हुआ, अब टाइपिंग और शॉर्ट हैंड बाकी है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड और फिजिकल ये बाकी है। और ऐसी परिस्थिति में जब सारे परीक्षा को जैसे दरोगा का परीक्षा दरोगा फिजिकल भी लिया गया तब परीक्षा हो गया, तो इस परिस्थिति में क्या बीएसएससी चाहती है कि रिजल्ट उस समय प्रकाशित किया जाए या टाइपिंग या फिजिकल उस समय किया जाए जब बच्चे पूरे रिटायरमेंट के अवस्था में पहुंच जाए। क्या 2014 से 2021 के बीच में जो बच्चों का एज अगर उसमें अगर 37 साल होगा या 40 साल होगा तो आज कितने 47-48 साल के तो हो गए होंगे, तो बच्चा हो गया तो और बहुत तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार तथा माननीय सचिव एवं अध्यक्ष बीएसएससी, आप कोई ना कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद हो और बच्चे का 7 साल के बाद ही आपने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करा ही दिया है, कम से कम इनका टाइपिंग फिजिकल का एग्जैक्ट डेट तो निकाल दीजिए ताकि इनके दिमाग में आ जाए कि कब होगा। मानते हैं कि कोरोना की त्रासदी है लेकिन इससे पहले कोरोना की त्रासदी नहीं थी, लेकिन कोरोना की त्रासदी है लेकिन कोरोना की त्रासदी हमेशा रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप डेट निकालिए कि आप जून लास्ट में लीजिएगा, जुलाई में लीजिएगा ताकि बच्चों के मन में थोड़ी शांति हो क्योंकि 7 साल की वैकेंसी को 10 वर्षीय वैकेंसी बनाने का अब वर्ल्ड रिकॉर्ड आप क्या बनाइएगा। ऐसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आप पूरी तरह से छा गए हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा कि मैं अभी 7 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, तमाम हजारों हजार की संख्या में इन 13,000 पदों के लिए हजारों हजार की संख्या में छात्र बेचारे बेचैन हैं और सोच रहे हैं कब होगा उनका टाइपिंग, कब होगा उनका फिजिकल। तो मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय अध्यक्ष तथा सचिव बीएसएससी से कि आप और कुछ मत कीजिए, कम से कम कोरोना त्रासदी के समय इनका डेट क्लियर कीजिए कि आप टाइपिंग कब लीजिएगा, इनका फिजिकल कब होगा और आप इनकी नियुक्ति कब करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इन बच्चों के जग पर मरहम लगाने के समान होगा और उसे ऐसा करके आप एहसान नहीं कीजिएगा क्योंकि 7-8 साल की वैकेंसी 8 साल तक कोई भी आदमी इंतजार कर रहा है अगर वैकेंसी के लिए, किसी बहुत बच्चों का ये अंतिम प्रयास है और अंतिम प्रयास के पश्चात वो बेकार पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। और आज मैंने पेपर में पढ़ा कि 14% के लगभग बेरोजगारी बढ़ गई है तो क्या आप चाह रहे हैं कि 20% तक बेरोजगारी बढ़े, इसलिए आप मेहरबानी करके आप बीएसएससी के तमाम प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके पेपर में दीजिए ताकि बुझे हुए सितारों को थोड़ी सी रोशनी मिल सके और बच्चे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि गुरु रहमान ने क्या बोला है, वो अपने चैनल के द्वारा से बीएसएससी के जो मुद्दा है उसको उठाए। तो दोस्तों, आप लोगों को भी शांत नहीं रहना है, आप लोग भी
जितने भी प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा अपनी मांगों को उठाते रहिए और हम लोगों से साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। धन्यवाद।